गाइस वेलकम टू माय चैनल एंड अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Godox की TL30 RGB पोर्टेबल लाइट की। यह लाइट मैंने सबसे पहले देखी थी GP प्रो कैमरा स्टोर में एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। इसके कुछ फीचर्स हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, एज वेल एज काफ़ी छोटू सी एंड पोर्टेबल सी है। तो काफ़ी फीचर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। अगर आपको YouTube वीडियोस बनाने का शौक है तो आप इसको बैकग्राउंड पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा, या फिर आप एज अ मेन लाइट या फिल लाइट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेडिंग करना पसंद करते हैं तो आप पोर्ट्रेट्स जो होते हैं, ब्राइड के पोर्ट्रेट्स होते हैं, ग्रूम के पोर्ट्रेट्स होते हैं, वो आप फोटोग्राफ एज वेल एज वीडियोज़ में भी, सिनेमैटिक वीडियोज़ में भी आप इसको ड्रामेटिक लाइट की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। घर पे अगर आपको सेल्फी शूट करने का बहुत शौक है, अपने फ्रेंड्स की, अपने कजन्स की, अपने फैमिली मेंबर्स के अगर पोर्ट्रेट लेने का शौक है घर पे अगर आपको, तो भी आपके ये काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। एज वेल एज चाहे आप मोबाइल से शूट करना पसंद करते हैं या आप कैमरा से शूट करना पसंद करते हैं, दोनों यूजर्स के लिए ये लाइट काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले फीचर्स पे और देखते हैं इसका जो सबसे पहली चीज है जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया। तो सबसे पहली जो बात थी वो थी इसकी बिल्ड क्वालिटी, एज वेल एज बहुत ही कंफर्टेबल लगते हैं यार हाथ में, एकदम आप देखिए मज़ा सा आ रहा है इसको पकड़ने में। तो एक तो ये है कि हाथ में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, एज वेल एज काफ़ी छोटू सी है जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर मैं अपने मोबाइल से इसको कंपेयर करूँ हाइट से तो ऑलमोस्ट लाइक इससे डबल है, बट मैं इजीली इसको कैरी कर सकता हूँ अपने बैग में कहीं भी अगर मैं ट्रैवल पर जा रहा हूँ, क्योंकि आपको इसके साथ मिलता है एक कैरी पाउच जिसमें आप इसको डाल के ले जा सकते हैं आप कहीं पर भी, चाहे आप वेडिंग शूट करने जा रहे हैं, चाहे आप ट्रैवल पर जा रहे हैं, चाहे आप ऐसे ही घूमने जा रहे हैं स्ट्रीट पर, अगर आप पोर्ट्रेट क्लिक करने जा रहे हैं और आपको एक आर्टिफिशियल लाइट की है तो भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो इसके साथ आपको मिलता है एक कैरी पाउच। सेकेंडली आपको इसके अंदर एक छोटू सा LCD मिलती है जिसके अंदर आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन इसकी मिलेगी लाइट की, कि ह्यू कितना है, सैचुरेशन कितना है, इसकी लाइट इंटेंसिटी कितनी है, आप वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं इसके बटन्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको सिर्फ 4 बटन्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है आपका ऑन ऑफ का बटन, उसके बाद है आपका मोड का बटन जिससे आपकी डिफरेंट मोड्स भी आएंगे, एज वेल एज आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको। उसके बाद आपका था डिम का बटन जिससे आप इसकी इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक छोटू सा कर्सर मिलता है जिससे आप इंटेंसिटी को कम ज्यादा या फिर आप जो डिफरेंट इफेक्ट जो है आप उनको चेंज कर सकते हैं, एज वेल एज अगर आप कर्सर वाले बटन को प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्शन बटन की तरह भी काम करेगा। तो ये भी काफी अच्छा है कि आपको बहुत सारे बटन इसके अंदर नहीं मिल रहे हैं, सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए आपको सिर्फ 4 ही बटन मिलते हैं और उन 4 बटन के ही मदद से आप डिफरेंट मोड्स, एज वेल एज डिफरेंट कनेक्शन, एज वेल एज इंटेंसिटी कम ज्यादा, कलर ज्यादा, बहुत सारी चीजों को आप चेंज कर सकते हैं। अगर इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो Godox के हिसाब से ये 1 घंटा काम करेगी अगर आप इसको फुल चार्ज करेंगे। एंड मैंने इसको एक्चुअली में इस वीडियो को शूट करने से पहले ट्राई किया है एंड एक्चुअली 1 घंटा से ज़्यादा, 1 घंटा 10 मिनट तो एक्चुअली ये चल गई थी, तब भी इसकी कुछ परसेंट बैटरी, 5% 3% बैटरी बाकी थी। सो आई कैन से कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं एक सिंगल लाइट पे, आप लाइट ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं, आप इफेक्ट्स नहीं कर रहे हैं, आप सिंगल लाइट एज अ यूज़ कर रहे हैं, तो आप 1 घंटे से ज़्यादा इसका बैकअप आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप इफेक्ट्स के साथ यूज़ कर रहे हैं, जैसे वो ब्लिंक हो रहा है या डिफरेंट इफेक्ट्स जो इसके अंदर दे रखे हैं, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो माइट भी ये आपको 40 से 45 मिनट्स का या 50 मिनट्स का बैकअप दे सकता है, जहाँ तक कि मुझे लगता है। बाकी अगर इसकी चार्जिंग की बात करें तो ये सी टाइप के केबल से चार्ज होता है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग ये भी है कि आप इसको पोर्टेबल बैंक से भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास पावर बैंक है तो आप वायर लगा के, सी टाइप की वायर लगा के आप इसको चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी काफ़ी अच्छा यूजफुल सा एक फीचर है कि अगर हमारे पास बैकअप नहीं है कहीं पे, अगर हम प्लग नहीं लगा सकते हैं तो हमारे पास पावर बैंक तो यूजली होते ही हैं, तो हम पावर बैंक लगा के भी इसको चार्ज कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें लाइट के डिज़ाइन की तो डिज़ाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, सिलेंड्रिकल आपको डिज़ाइन मिलता है, लेकिन आपकी जो लाइट है वो ना रोटेट नहीं होगी। जैसे इन्होंने जो यहाँ पे बनाए हैं इसके एजेस में, तो ये आपकी लाइट एक जगह पे जाके टिक जाती है। तो अगर आप इसको ऐसी जगह पे रखते हैं जो थोड़ा सा स्लांट है, तो वहाँ पे आपकी लाइट जो है वो रोल होके नीचे नहीं जाएगी, ये एक्चुअली वहाँ पे रुक जाएगी। तो सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट के अंदर एक और इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि सपोर्ट के साथ साथ इसके अंदर आपको 4 मैग्नेट्स भी मिलता है, ऊपर 4 मैग्नेट्स एंड नीचे 4 मैग्नेट। तो अगर आपको ये कहीं पर लगानी है और अगर आपके पास मेटल सरफेस है तो आप इसको ईजिली ऐसे करके लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है यार कि आपको मैग्नेट इसके अंदर मिल रही है और इसके साथ साथ आपको बॉक्स के अंदर वेलक्रो एज वेल एज मेटल के कुछ पीसेस मिलेंगे जिनको आप डिफरेंट जगह पे लगा सकते हैं एंड देन आप इस लाइट को इस तरीके से लगा के यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है यार, आप फ्रिज में भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैग्नेट वाला फीचर मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा इसके अंदर। अब अगर और बात करें कि आपको बॉक्स के अंदर और क्या चीज़ मिलती है, तो इसके साथ आपको मिलता है एक स्ट्रैप
जिसको अटैच करने के लिए आपको लाइट के ऊपर और नीचे स्क्रू मिलता है और जिसमें आपका स्ट्रैप लग जाएगा और आपकी जो लाइट है आप इसको हाथ में डाल के ईजिली कैरी कर सकते हैं। जब आप यूज़ कर रहे हो अगर गिरी तो ये एटलीस्ट नीचे नहीं गिरेगी, ईजी रहेगी और आपके लिए सेफ रहेगी। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है कि आपको एक स्ट्रैप भी मिलता है इसके साथ। और अब अगर इसके कलर्स की बात करें तो Godox TL30 के अंदर आपको 36,000 तक के कलर्स देखने को मिलेंगे। ऑल्सो आपको 2700 से लेकर 6300 केल्विन तक का वाइट बैलेंस भी सेट करने को मिलेगा इसके अंदर। ऑल्सो जो लाइट का एंगल है वो टोटली 180 डिग्री तक, तो आपको एग्जैक्टली ऐसा वाला पूरा का पूरा जो आपका एरिया है उसको ये कवर करेगा, 180 डिग्री को ये कवर करेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। 36,000 कलर्स बहुत ज्यादा कलर्स हैं। 36,000 कलर से ही बात करें तो आप इसको ऐप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऐप काफी इंटरेस्टिंग है, ऐप के अंदर और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी बहुत ही वन क्लिक में काफी सारे फीचर्स इन्होंने दे रखे हैं। इफेक्ट्स आपको बहुत सारे एक ही क्लिक में मिल जाते हैं। कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, RGB कलर्स हैं उसके अंदर, कलर्स मिक्स कर सकते हैं, इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, लाइट की कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ऐप इनकी काफी इंटरेस्टिंग है, आप गूगल प्ले स्टोर से इनकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी Godox TL30 लाइट को अपनी ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऐप से कनेक्ट करने के लिए आपको मोड वाले बटन को, अपनी लाइट को ऑन करिए और मोड वाले बटन को आप दबा के रखिए, लॉन्ग प्रेस करके रखिए। यहाँ पे आपको वाईफाई का ऑप्शन दिखेगा, उसको ऑन करिए। सबसे पहले जब अगर आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको रीसेट करिए एंड उसके बाद आप उसको ऑन करिए। अपने मोबाइल के ऐप में जाइए, मोबाइल ऐप ऑन करिए और आपकी जो ऐप है वो ऑटोमेटिकली इसको पकड़ लेगा। मुझे काफ़ी ईजी लगा यार, बहुत ही ईजी सा सेटअप था। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मेरे को कनेक्ट करने में। जैसे ही मैं अपने मोबाइल में ऐप खोलता हूँ, जैसे ही मैं अपनी लाइट में जो ब्लूटूथ सेटिंग है वो ऑन करता हूँ, मेरा मोबाइल एक्चुअली ऐप जो है एकदम से पकड़ लेती है कि आपकी जो लाइट है वो ऑन हुई है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फीचर है, आप ऐप के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट कलर्स आप दूर खड़े होकर अपने चेंज कर सकते हैं। एज आई सेड कि आप लाइट के अंदर एज वेल एज ऐप के थ्रू भी आप इसके ह्यू और सेचुरेशन को चेंज कर सकते हैं और ये लाइट जो है वो फ्लिकर भी नहीं करती। अगर आप इसको ऑन करें, जैसे मैं आपको अभी ऑन करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे फ्लिकर नहीं है, लाइट के अंदर बिल्कुल भी फ्लिकर नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा है, वीडियो लाइट की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ ड्रामेटिक लाइट, या आप डिफरेंट लाइट्स में आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी इंटेंसिटी अगर मैं आपको जीरो करके दिखाऊं अभी, तो ये है इसकी जीरो इंटेंसिटी जिसमें ये बिल्कुल नहीं चल रही है, और 1% किया तो ये इसकी सबसे लोएस्ट इंटेंसिटी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी सबसे टोटल हाइएस्ट करूँ तो ये है इसका 100%। तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है यार, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मैं अगर अपने मोबाइल की स्क्रीन में देखूँ तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो ये काफ़ी अच्छी सी और काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट आपको Godox TL30 में मिलती है। उसके बाद अगर मैं इसके वेट की बात करूँ तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि पता ही नहीं चलता यार कि आपने इतनी पावरफुल लाइट अपने हाथ में पकड़ रखी है, तो इसका वेट है 0.3 kg। उसके अलावा Godox TL30 के अंदर आप ग्रीन एंड मैजेंटा जो कास्ट होता है, जो हम फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, उसकी सेटिंग्स को भी आप प्ले कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी फोटोग्राफ्स के अंदर या आपकी वीडियोस के अंदर ग्रीन एंड मैजेंटा कास्ट को ज़्यादा आ रहा है, तो आप उसकी इंटेंसिटी को भी चेंज करके उसको कम कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि आप इसको कहाँ से खरीद सकते हैं, तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप GP Pro कैमरा स्टोर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। GP Pro कैमरा स्टोर में आपको मिल जाएगा। ये सिंगल पैक में आती है, डबल पैक में आती है, इन चार के पैक में आती है। मेरे पास ये सिंगल पैक है, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ लाइट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो आप निकिता डिस्ट्रीब्यूटर को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये लाइट मुझे Godox इंडिया एज वेल एज निकिता डिस्ट्रीब्यूटर दोनों ने भेजी है, सो थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी दिस लाइट। उसके अलावा आप इसको Amazon से भी ऑर्डर कर सकते हैं, उनका एफिलिएट लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मुझे तो Godox TL30 यूज़ करते हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं एंड आई जस्ट लव दिस लाइट। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है एंड आई कॉन्ट वेट मैं ट्रैवल पे जाके या फिर स्ट्रीट पे जाके या अपने फ्रेंड्स के पोर्ट्रेट इससे क्लिक करूँ जब मैं ये लाइट यूज़ कर रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको Godox की TL30 लाइट कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। अगर आप न्यू हैं मेरे YouTube चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन keep learning, keep shooting, keep sharing, stay at home and be safe.